शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्या शादी नहीं हो सकती? लेकिन क्यों? अरे लेकिन जय तो उन्हें पसंद था ना। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ मां? ये रिश्ता भी हाथ से निकल गया। मतलब उन्हें भी भैया के बारे में पता चल गया? उनका कहना है कि इतनी धन दौलत होने के बावजूद अगर बड़ा बेटा इस घर में कुंवारा है तो जरूर खानदान में कोई कमी रही होगी। मां, पंडित जी ने क्या कहा? पंडित जी भी यही कह रहे थे कि अगर करण की शादी हो गई होती तो तुम्हारी शादी में कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन नालायक पता नहीं प्यार के चक्कर में पड़ करके अपनी खुद की जिंदगी तो बर्बाद की है और साथ में अब तेरी शादी भी प्रॉब्लम में आ गई है। मां, वो दिल्ली वाली पार्टी तो राजी थी, आप उनसे ही बात आगे बढ़ाती। तेरा दिमाग खराब हो गया? तू चाहता क्या है, किसी भी ऐरे गहरे लड़की को हम अपने घर की बहू बना ले? एक बात कान खोल के सुन लो, अगर इस घर की बहू बनेगी तो सिर्फ और सिर्फ खानदानी लड़की, नहीं तो कोई नहीं। और माँ, मेरी बात तो सुनिए, अगर तुझे भी अपनी मर्जी चलानी है तुम कर सकते हो शादी अपनी मर्जी से, लेकिन उसके बाद इस घर से और मुझसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा तुम्हारा। आई बात समझ में? अरे नहीं माँ, मैं सब ऐसे ही कह रहा था, मैं ऐसा थोड़ी करने वाला हूँ, आपको तो पता है। मैं देखता हूँ। माँ, ये मेरी बीवी है खुशी, हमने आज ही शादी की है। अरे माँ के पैर छू। खुशी, ये जय है, मेरा छोटा भाई। नमस्ते भाभी। एक बात समझ में नहीं आ रहा है करण, कल तक तो तुम शादी से इनकार कर रहे थे और आज अचानक शादी कर ली, बीवी को घर लेके आ गए। माँ, ये खुशी है, हम लोग दिल्ली में मिले थे, पहली मुलाकात ऑनलाइन हुई थी हमारी, बस फिर धीरे धीरे प्यार हो गया और हमने शादी कर ली। अरे ये तो मुझे बहुत समय से शादी करने के लिए बोल रही थी, मैं टाले जा रहा था बार बार, लेकिन जब मैंने देखा कि जय की शादी मेरी वजह से नहीं हो रही है तो फौरन से शादी करी और यहाँ ले आया। खानदानी लड़की है या ऐसे ही राह चलते लड़की को उठा के ले आया? कैसी बातें कर रही हो, बहुत बड़े खानदान से वो, इसके पिताजी का बहुत नाम है दिल्ली में। खुशी, किस खानदान से बिलोंग करती हो तुम? अरे आज शादी हुई है हमारी, बहुत थकी हुई है वो, यही रहने वाली है अभी, आराम से बात कर लेना। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि तुम्हें बताने का टाइम ही नहीं मिला। अच्छा सॉरी ना। क्या किस चाहिए?
अब ठीक? अच्छा चलो, मैं अब बाद में बात करती हूँ. लव यू टू. पिलो ले रहा हूँ. तुम दोनों लेके सो रही हो, एक तो दो मुझे. हटो पीछे, ये लो. वैसे किससे बात कर रही थी तुम? तुमसे मतलब? अपने काम से काम रखो, ज्यादा पर्सनल होने की जरूरत नहीं है. खुशी उठो. इतनी सुबह सुबह क्यों उठा रहे हो? हाँ, माँ के साथ मंदिर जाना ना तुम्हें. उठो चलो, रेडी हो जाओ. व्हाट? मंदिर? मैं नहीं जाने वाली मंदिर. मना कर दो उन्हें. देखो ये सब नहीं होगा मुझसे. ठीक है, मैं माँ को मना कर देता हूँ, लेकिन तुम उन्हें बोल देना कि तुम्हारी तबीयत खराब है इसलिए नहीं जाना. और सुनो, देखो घर वालों से दूर रहा करो, वरना फालतू की पूछताछ करेंगे वो. अगर इन्हें शक हो गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी. हेलो पापा. तो कैसा चल रहा है वहाँ? सब ठीक चल रहा है पापा. कैसी है फैमिली? बहुत अमीर लोग हैं ये, और भोले भाले भी हैं. मतलब खूब माल बटोर सकते हैं, है ना? ठीक है बेटी, तो तू अपना रंग दिखाना शुरू कर दे. हाँ, हाँ पापा, बस अब वही करने वाली हूँ. ये ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रहा है बेशर्मों की तरह? चुपचाप से नाश्ता कर. बहू, ये किस तरह का कपड़ा पहना तुमने? क्या प्रॉब्लम है इन कपड़ों में? सालों से ऐसे ही कपड़े पहन रही हूं मैं. लेकिन हमारे घर की बहुएं ऐसे कपड़े पहन के घूमती नहीं है. और ये क्या, तैयार नहीं हुई अब तक? मंदिर नहीं जाना क्या? पहले तो ये सास वाला रौब झाड़ना बंद करो मुझ पर. तुम्हारी नसीहतें सुनने नहीं आई हूँ मैं यहाँ पर. और हाँ, मैं नहीं जा रही कहीं मंदिर. बहू, तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो मुझसे? ऐसे ही बात करती हूँ मैं. और ये बहू बहू क्या लगा रखा है? खुशी नाम है मेरा, खुशी. आ गया समझ में? क्या हुआ माँ? अच्छा हुआ करण तुम आ गए. जरा देखो इसे, कैसे कैंची की तरह जबान लड़ा रही है मुझसे. मैं लड़ा रही हूँ? तुम शांत रहो, अंदर जाओ, कॉफी मैं बना के लाता हूँ. आओ. ये किस तरह की लड़की मेरे घर में लाके बिठा दिए तुम? माँ, बहुत अच्छी लड़की है ये, बस गुस्सा थोड़ा सा इसका ज्यादा है. क्या है ना, दिल्ली में पली बड़ी, वहीं के तौर तरीके समझती है, वो क्या करे. लेकिन ये दिल्ली नहीं है, उसे समझना चाहिए. और अगर नहीं समझती है तो तुम्हारा काम है समझाना. माँ क्या चाहती है आप?
जब मैंने शादी नहीं करी थी तब भी आपको प्रॉब्लम थी, अब शादी कर ली है तो इससे प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, मैं काम करता हूँ, मैं ना इसे लेके यहाँ से दिल्ली चला जाता हूँ, लेकिन बाद में मुझे ये मत कहना कि जय की शादी नहीं हो रही। माँ, भैया ठीक कह रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती भाभी को यहीं रहने देते हैं, बात की बाद में देखेंगे। बात तो तुम एकदम सही कह रहे हो, ठीक है रहने देते हैं उसे, लेकिन उसे समझाना तो पड़ेगा ना। मैं बात करती हूँ। मैं समझा दूंगा। खुशी, तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे फोन को हाथ लगाने की? कवार कहीं के। खुशी, चिल्लाओ मत, चिल्लाने का हक तुम्हें बिल्कुल नहीं है, तो आवाज नीचे रख के बात करो। और हाँ, जितनी बात हुई है उतना ही करो, ज्यादा पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। आइंदे से मेरे किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, बता रही हूं मैं। अब देख क्या रहे हो मुझे? I'm sorry. मुझे तुम्हारे मोबाइल को ऐसे हाथ नहीं लगाना चाहिए था, आगे से नहीं होगा। और प्लीज तुम ऐसे कपड़े पहन के ना माँ के सामने मत आया। मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ, अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो मुझसे शादी क्यों की? आराम से बात करो। पापा, मैंने बहुत कोशिश की पर करण को गुस्सा ही नहीं आया, हाथ उठाना तो दूर, उसने मुझे डांटा तक नहीं। अरे बेटा, तो कोई और तरीका निकालो, गुस्सा दिलाओ उसको। देखो बेटा, अगर वो तुम्हें थप्पड़ नहीं मारेगा तो हमारा काम कैसे बनेगा? पापा, मिल गया तरीका, बाद में कॉल करती हूँ। क्या कर रही हो जय? ये मजदूरों का हिसाब किताब देख रहा हूँ, कल पेमेंट करनी है ना उनको। ओ, तो सारा हिसाब किताब तुम ही देखते हो, तुम्हारे बड़े भैया नहीं देखते? दरअसल भैया की शादी ना करने की वजह से माँ ने उनका खर्चा पानी बंद कर दिया है, तो अब उनके हाथ में कुछ है नहीं, इसीलिए सब मुझे देखना पड़ता है। तो तुम्हारे बड़े भैया ने शादी क्यों नहीं की? उन्होंने आपको बताया नहीं? नहीं। भैया एक लड़की से बहुत प्यार करते थे, काजल नाम था उसका, लेकिन वो हमारे खानदानी दुश्मन सेठियों की बेटी थी। काजल के पापा को जैसे ही पता चला भैया और काजल के बारे में, उन्होंने काजल की शादी कहीं और तय कर दी। इधर पापा ने भैया को कसम दे दी काजल से कोई वास्ता ना रखें, जब काजल को ये पता चला कि उसका रिश्ता कहीं और तय हो गया है तो उसने खुदकुशी कर ली। फिर भैया ने कभी शादी ना करने की कसम खा ली। माँ ने बहुत कोशिश की उन्हें मनाने की, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े रहे। माँ ने गुस्से में आकर भैया से रिश्ता ख़त्म कर लिया। वो तो आपकी वजह से माँ भैया से बात कर रही है। थैंक्स टू यू। पर तुम्हारे भैया इतने रोमांटिक लगते तो नहीं है? तब से भैया ऐसे ही है। मुझे तुमसे एक शिकायत है। कैसी शिकायत? तुम्हारी भाभी हूँ पर तुम उससे बात ही नहीं करते, थोड़ा ध्यान हम पर भी दो ना। भाभी क्या कर रही हैं आप? जय! भैया मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है, तो भाभी सब चुप रहना। शर्म नहीं आती तुझे? भाभी है वो तेरी। भैया जय, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, क्या कर रहा था तू? हाँ माँ, मैंने चुप। करण, तुम बहू को लेके अंदर जाओ। माँ चुप। माँ मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं जानती हूँ कि तूने कुछ भी नहीं किया, तू बेकसूर है, लेकिन बेटा अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते, चुप रहने में हमारी भलाई है, तुझे पता है ना?
कि कल लड़की वाले आ रहे हैं तुझे देखने के लिए, उससे पहले मुझे घर में कोई भी ड्रामा नहीं चाहिए, समझ गया तू? क्या हुआ खुशी, क्यों कर रही हो सब तुम? मैं क्या कर रही हूँ? अपने भाई से पूछो ना, उसकी नियत में खोट है। तुम मुझ पे भड़क रहे हो? अरे भड़क नहीं रहा हूँ मैं, बात करने की कोशिश कर रहा हूँ तुमसे। हाँ हाँ सब समझती हूँ मैं, तुम तो मुझे ही बोलोगे ना, क्योंकि वो तो तुम्हारा भाई है, तो तुम तो उसी की साइड लोगे। हाँ ठीक, मेरी गलती है, अब क्या करोगे? मारोगे मुझे? मारोगे? मारो ना, मारो, मारो मुझे, मारो, मारो। अजीब आदमी है, इसे गुस्सा ही नहीं आता। पैसों का इंतजाम हुआ कि नहीं अभी तक? हो जाएगा पैसों का इंतजाम, मुझे थोड़ा समय दो, कॉल करता हूँ। ठीक है, दो दिन और वेट कर लेता हूँ, पर उससे ज्यादा नहीं, समझे? अरे बहू उठ गई तुम, एक मिनट, ये लो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाई हूँ, लो। थैंक यू। अच्छा बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करना है, चल मेरे साथ आ। अरे माँ कहाँ ले जा रही हो खुशी को? अरे मुझे अपनी बहू से बात करनी है कुछ जरूरी, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बैठो यहाँ। ये बेटा, ये कुछ गहने हैं तुम्हारे लिए, मैंने करण की होने वाली पत्नी के लिए खरीदा था, इसलिए ये सारे गहने तुम्हारे। पर माँ जी मैं ये सब कैसे ले सकती हूँ? अरे बेटा तुम्हारे ही तो है, किसके और? ये जितना कुछ भी है सब तुम्हारा ही है। अच्छा एक बात कहना था बेटा, तुम्हें पता है ना जैक को देखने के लिए लड़की वाले आ रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि उनके सामने तुम साड़ी पहन के आना, मेरी बात मानोगी ना? बोलो बेटा। लगता है माँ अपने साथ चाबी लेकर गई है। भाई साहब ये मेरा बड़ा बेटा करण है और ये जय मेरा छोटा बेटा। और आपके पति? जी उनको गुजरे हुए 10 साल हो गए। बेटा जय आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? जी मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया आर्ट से। अरे वाह, हमारी बेटी ने भी एमए किया है। करण बेटा आप शादी कहाँ से किए? जी दिल्ली से। बहन जी आप बुरा मत मानिएगा, करण के बारे में कई तरह की बातें सुनी हैं। वैसे करण की बीवी है कहाँ? आप घर पे ही है, आ ही रही होगी,
वैसे भाई साहब लोगों का क्या है, लोगों को तो सिर्फ बातें बनाना आता है। और रही बात हमारे खानदान की, तो हमारा खानदान एक जमींदार खानदान है। जमींदारी तो नहीं बची, लेकिन हाँ अब भी हमारे पास कई एकड़ जमीन है। आपकी बेटी तो राज करेगी राज। और वैसे भी हमारा जय लाखों में एक है, कोई भी इसमें नुक्स नहीं निकाल सकता। नमस्ते। नमस्ते जी, ये कौन? जी वो मेरी बड़ी बहू है। आपकी बहू बहुत मॉडर्न है। हाँ वो दिल्ली में पली बड़ी है, इसलिए वहाँ का रहन सहन इसके साथ है। और वैसे भी भाई साहब हम लोग बहुत खुले विचारों के हैं, बहू बेटियों पे कोई पाबंदी कोई रोक टोक नहीं है। आपकी बेटी भी आएगी ना जब, उस पर भी कोई रोक टोक नहीं रहेगा, कोई पाबंदी नहीं, जो पहनना चाहे जैसे रहना चाहे वैसे रह सकती है। वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे हमारा जय आपको कैसा लगा? जी आपका बेटा जय हमें पसंद है जी। बस बाकी के हमारे परिवार और रिश्तेदार वालों के बीच में राय मशविरा हो जाए, फिर हम आपको बताएंगे। जी बहुत अच्छी बात है जी। नमस्ते। नमस्ते। अब हमें इजाजत दीजिए। जी जी चलो। कितना समझाया था तुझे सुबह में, हाँ कि साड़ी पहन के आना। मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? नहीं आती समझ में? अगर ये रिश्ता तुम्हारी वजह से कैंसिल हुआ ना तो तुम्हारी तो खैर नहीं। बहुत अच्छी लड़की से शादी की है ना तूने, हाँ? अरे इससे अच्छा तो तू कुमारा ही रहता। ये क्या कर रही हो तुम? पापा को फोन कर रही हूँ। हेलो पापा, पापा आप यहाँ जल्दी आ जाओ, इन लोगों ने मुझे मारा है, आप जल्दी आ जाओ। देखो खुशी, तुम भूल रही हो तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया हूँ मैं। एक बार जिया का रिश्ता हो जाए, उसकी शादी हो जाए, उसके बाद मैं जो जिया आए करना था, लेकिन उससे पहले तुम्हें कायदे में रहना पड़ेगा, आया समझ में? क्या करना है आगे, इसका फैसला पापा ही करेंगे, आने दो उन्हें। खुशी, खुशी, आ मेरी बेटी, हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी बात उठाने की? देखिए आप शांत हो जाइए, आराम से बात करते हैं हम लोग। अरे क्या शांति से बात करना है, हा? ये सब करने के लिए शादी करके लाया था मेरी बेटी से? कहाँ मेरी बेटी खुशी? पापा, पापा, पापा ही गौर ने मेरे पे हाथ उठाया। हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी बात उठाने की? मैं जेल में डलवा दूंगा तुम्हें। चल अब यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, चल उठा सामान, चल मेरे साथ। सुनिए सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए, हम आराम से अंदर चल कर बात करते हैं, आइए। देखिए गलती आपकी बेटी की थी। गलती इसकी थी तो हाथ रोकोगे सब्र? देखिए गुस्सा आया इसलिए हाथ उठ गया, आप आराम से बात करिए। और देखिए बड़ी है वो घर की, अगर हाथ उठ भी गया तो क्या हो गया? क्या क्या हो गया? अरे सबसे बड़ी गलती तो हुई कि मैंने अपनी बेटी की शादी तेरे साथ की। चल खुशी बेटा चल, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं तुझे। मेरी बात सुनिए, देखिए मैं आपसे वादा करता हूँ आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। मैं माँ की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। पापा मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, आप बस चलो यहाँ से। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम, आप समझाइए ना इसे। अब समझाना समझना क्या है, गलती हुई है ना गलती, तब उसका भुगतान भी करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? समझ गया। अब रुकिए मैं आता हूँ। और सुनो 50 जो बकाया है ना वो भी साथ में ले आना। जय। जी भैया बोलिए। मुझे 1,00,000 रुपए चाहिए अभी। 1,00,000? अचानक से क्यों? वो नहीं बता सकता, तो ये बता देगा या नहीं? कैसी बातें कर, मैं अभी लाकर दे दूं। हेलो
हर जाने के पूरे 1,00,000 रुपए। अब तो नाराज नहीं हो ना? अरे करण बाबू, कैसी बात कर रहे हैं आप? अभी आपसे कभी नाराज नहीं होगी। हाँ, जब मैंने पूरी बात सुनी ना, तब मेरे समझ में आया कि गलती इसी की थी। अब ये ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी जिससे आपको तकलीफ हो। अरे अब बैठी क्या है, उठ, माफी मांगी इनसे, चल। I'm sorry. देखा, माफी मांग ली, अब माफ कर दो इसको और दोनों खुशी से रहो। वैसे भी तुम दोनों पति पत्नी हो, प्यार से रहना चाहिए, है ना? अब देखो, तुमको करण बाबू का खास ख्याल रखना है और इनके परिवार का भी। अब मुझे कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, समझ रहे हो ना? जी पापा। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ, ठीक है? खुश रहो, खुश रहो। मैं पापा को छोड़ के आती हूँ। क्या कर रही हो ये? और ये सब क्या है? प्यार कर रही हूँ अपने पति को। ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? एहसास हो गया मुझे अपनी गलतियों का। आप कितने अच्छे इंसान हैं। मैंने जो हरकतें की हैं, कोई और होता तो मुझे कब का घर से बाहर निकाल देता। पर आपने मुझे कुछ भी नहीं कहा और फिर जय ने मुझे बताया कितना प्यार भरा है आपके दिल में। तो अपने प्यार के खातिर आपने शादी नहीं की। अब इतने अच्छे इंसान का दिल मैं कैसे दुखा सकती हूँ? मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है खुशी। मैं वादा करती हूँ, मैं आपका कभी दिल नहीं दुखाऊंगी। मैं सुबह माजी से भी माफी मांग लूंगी। खुशी, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब आपने मुझे माफ नहीं किया? देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्यों रोक रहे हैं अपने आप को? माँ, तुम्हारे लिए अदरक वाली की चाय। माँ, 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 करण भैया, करण भैया। जवान, घर की हालत देख के तो यही लग रहा है कि रॉबरी का केस है।
चोर घर में घुसा होगा, इनकी आंख खुली होगी और हड़बड़ी में चोर ने इन्हें मार दिया होगा। एक काम करो, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। रात को आप सब लोग यहीं पे थे? जी सर। ये आपका छोटा भाई है? जी, सबसे पहले माँ को इसी ने देखा था। और ये? सर, ये मेरी बीवी है, खुशी। मुझे बताइए, आपकी परिवार की किसी के साथ कोई रंजिश, कोई दुश्मनी? सर, हमारा कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं था किसी से, पर हाँ, सेठी परिवार के साथ में खानदानी दुश्मनी है, जिसके बारे में गांव में सबको पता है। ठीक है, जब तक हमारी तहकीकात पूरी नहीं होती, हमें इन्फॉर्म किए बिना आप कहीं नहीं जाओगे। लीजिए, चाय पी लीजिए। आपने कुछ खाया पिया नहीं है। देखो खुशी, तुम चाहो तो अपने पापा के पास जा सकती हो, अब तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने सोच भी कैसे लिया मैं आपको इस हालत में अकेला छोड़ के चली जाऊंगी? आपने मुझे दिल से अपनी बीवी नहीं माना है, लेकिन मैंने आपको अपना पति मान लिया है। मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती। देखो खुशी, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ रुको और ये सब। ठीक है, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी, लेकिन मेरे बारे में ना सही, अपने छोटे भाई के बारे में तो सोचिए। भूलिए मत, आप मुझे उसकी शादी के लिए यहाँ लाए थे और माँ का भी यही सपना था, इसलिए एक बार जाके शादी हो जाए, उसके बाद मैं खुद चली जाऊंगी यहाँ से। आप एक बार पंडित जी से बात तो करके देखिए। ठीक है। पापा आप यहाँ? हाँ बेटे, वो सुनीता जी के बारे में सुना तो चला आया। करण कहाँ है? वो अपने रूम में है, आप आओ ना अंदर। जी आप यहाँ? सुनीता जी के बारे में सुनकर बड़ा दुख हुआ। देखो बेटा, इस दुख की घड़ी में मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं ना, तो तुम बेझिझक मुझे कह देना। हाँ जी, बस वो इस महीने के पैसे थोड़ा लेट दे पाऊंगा मैं। अरे कैसी बात कर रहे हो बेटा, मैं यहां पैसे लेने थोड़ी आया हूं। और हाँ देखो, अब मुझे तुमसे पैसे चाहिए भी नहीं। खुशी बिटिया ने मुझे अपने दिल की बात बताई, अगर तुम चाहो तो तुम लोग हमेशा के लिए पति पत्नी बनकर रह सकते हो। जी इसके बारे में तो सोचने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। अब एक काम करिए, आप लोग आराम से बैठ के बात करिए, मैं नाश्ता लेकर आता हूं। खुशी, पापा पहुंच गए? हाँ पहुंच गए, अभी अभी बात हुई उनसे। अच्छा आपकी पंडित जी से बात हुई क्या? क्या कहा उन्होंने? हाँ, लड़की वालों को रिश्ता पसंद आया है, संडे को लड़की देखने जाना है, अगर सब कुछ सही रहा तो रिश्ता पक्का हो जाएगा। भगवान का शुक्र है। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? देख रहा हूँ कि तुम में कितना बदलाव आ गया है। एक बात बताओ, अब
तो मुझे भी तुमसे प्यार होने लगा है। I love you. I love you too. तुम बोलो। अरे खुशी बेटा, तुझे इतना टाइम क्यों लग गया ड्रामा करने में? अरे पापा पूछो ही मत, मैंने सब करके देख लिया पर किसी ने मुझ पे गुस्सा ही नहीं किया। वो तो आज जाके इस बुढ़िया ने गुस्सा किया है मुझ पे। अच्छा, इसका मतलब इस घर से हम ज्यादा पैसे नहीं हट सकते है ना? ठीक है बेटा, तो बोल तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट अभी कभी तोड़ देता हूँ। वैसे भी उस बुढ़िया ने हाथ तो तुझ पर उठा ही दिया है, है? और वैसे भी एक पार्टी तैयार बैठी है तुझसे शादी करने के लिए। पूरे 10 लाख मिलेंगे। नहीं पापा, थोड़ा रुक जाइए। अरे बहुत अमीर लोग हैं ये, मैंने इनकी तिजोरी देखी है, गहनों से भरी हुई थी। अब बस कैसे भी करके उसमें हाथ साफ करना है। अच्छा, इतने अमीर है ये लोग? हाँ पापा, पुराना जमींदार खानदान है, अभी भी करोड़ों की दौलत है इनके पास में। अरे वो तो ये बुढ़िया है पुराने ख्यालों वाली, इसलिए जय की शादी नहीं हो पा रही अब तक, वरना यहाँ तो लड़कियों की लाइन लग जाए। अब बस कैसे भी करके उस तिजोरी पर हाथ साफ करना है। अरे पगली, तू सिर्फ तिजोरी के बारे में सोच रही है, मैं तो पूरे जायदाद के बारे में सोच रहा हूँ। सुन, अगर तू मेरी बात मानेगी ना तो इस पूरे जायदाद की मालकिन बन सकती है। वो कैसे? देख, वैसे भी सबकी नजरों में तो करण की बीवी तो है ही, बस अब सची उसकी पत्नी बन जा। हाँ। अरे नहीं पापा, मैं अपनी पूरी लाइफ हाउसवाइफ बनके नहीं बिता सकती हूँ, मुझे मेरी आजादी पसंद है बस। अरे पगली, तुझे कौन पूरी लाइफ गुजारने के लिए बोल रहा है? देख, कैसे भी ना तू उस करण को अपने प्यार के जाल में फंसा ले, ताकि वो तुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। उसके बाद सबसे पहले उस बुढ़िया को रास्ते से हटाएंगे और उसकी तिजोरी साफ कर देंगे, और फिर वो जय को मारकर फंदे से लटका देंगे। सबको लगेगा कि उसने खुदकुशी कर ली है। और फिर बचा कौन? वो करण है। सही मौका देखकर उसको भी निपटा देंगे, और उसके बाद इस परिवार का कौन बचेगा? सिर्फ इकलौती तो इस पूरे जायदाद की मालकिन। पापा आपकी बात तो सही है, पर जो भी करना है जल्दी करना होगा, वरना अगर जय की शादी होगी तो सारा प्लान फेल हो जाएगा। अरे बेटा तू फिकर मत कर, इस बुढ़िया को आज रात ही निपटा देंगे।
क्या हुआ खुशी बेटा, वो करण आया तेरे झांसे में कि नहीं? अरे कहां पापा, अभी तक तो नहीं, लेकिन जल्दी आ जाएगा। फिलहाल उसे जय की शादी की फिक्र बहुत है। अच्छा, तो इसका मतलब वो जय को भी मारना पड़ेगा। कोई बात नहीं बेटा, आज रात इसको निपटा देते हैं। तू बस तैयार रहना। जी पापा। तुम दोनों ने मां को मारा था ना? हाँ, और अब तेरी बारी है। अब तुझे मारकर फांसी के फंदे पर लटका देंगे। लोगों को लगेगा तूने सुसाइड किया है। हाँ, नहीं नहीं, चिंता मत कर, तुझे मारने के बाद तेरे भाई को भी तेरे पास भेज देंगे। भैया, तू ठीक तो है ना? बाल बाल बचिया भैया, थैंक यू। अच्छा हुआ कि तुमने हमें सही वक्त पे कॉल किया। लेकिन ये तो तुम्हारी बीवी है, फिर इसने ऐसा क्यों किया? बीवी नहीं, किराए की बीवी। किराए की बीवी? जी इंस्पेक्टर साहब, दरअसल मैंने शादी नहीं की थी, जिसकी वजह से जय की शादी भी नहीं हो पा रही थी। तो मुझे लगा कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। तभी मैंने न्यूज़पेपर में देखा कि एक जगह है जहां पर औरतें किराए पर दी जाती हैं, और मैं पहुंच गया इस सुंदर के गांव में। ये लो जी, हो गया एग्रीमेंट। आज से 6 महीने के लिए मेरी बेटी आपकी पत्नी बनकर रहेगी। वो पैसे मिल जाते तो? ये लीजिए 2 लाख रुपए हैं, बाकी के 50,000 कुछ दिन में देता हूं। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, वो 30,000 रुपए हर महीने की 1 तारीख को मुझे मिल जाने चाहिए। आप उसकी चिंता मत कीजिए, 30,000 रुपए आपको 1 तारीख से पहले ही मिल जाए करेंगे। लेकिन करण बाबू, वैसे तो एग्रीमेंट 6 महीने के लिए हुआ है, लेकिन अगर किसी वजह से भी आपने मेरी बेटी पर हाथ उठाया, उसे मारा पीटा या उसे तंग किया, तो यह एग्रीमेंट उसी वक्त कैंसिल हो जाएगा और मैं अपनी बेटी को वापस ले आऊंगा। देखिए विश्वास रखिए, आपकी बेटी को कोई परेशानी नहीं हो। आप बुलाइए उसे। क्या बात है, दिल खुश कर दिया आपने तो। आप बैठिए, अभी लेकर आता हूं। अरे खुशी बेटा, हाँ ये देख, 2 लाख तो मिल गए। अरे वाह। लेकिन बेटा तुझे ना उससे और पैसे ऐडने हैं, और इसके लिए जितनी जल्दी तुझे उसे गुस्सा दिलाएगी और जितनी जल्दी उसे गुस्सा आएगा और तुझे थप्पड़ मारेगा, उतनी जल्दी हमें और पैसे मिलेंगे। अपने छोटे भाई के शादी के चक्कर में लेके जा रहा है तुझे, इसलिए मजबूरन उसे 6 महीने तो तुझे रखना ही पड़ेगा। इसलिए तू उसे जितना परेशान कर सकती है ना कर लेना, और मुझे फोन कर देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। अरे पापा, आप तो ऐसे समझा रहे हो जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ। भूलो मत, पिछले वाले के यहाँ से 1 महीने में वापस आ गई थी, इसे भी देख लेंगे। समझदार हो गई है। चल चल, अब जल्दी चल, तैयार कर रहा है। उठा उठा। हाँ ये तेरा फोन। चल चल। उसके बाद मैं इन दोनों को घर लेकर आ गया, लेकिन घर में आते ही हमारी दौलत देखते इन दोनों के ईमान डोल गए। मुझे तो उसी दिन शक हो गया था जब इन्होंने पहली बार अपने रंग दिखाए थे। अचानक हृदय परिवर्तन हो गया था दोनों का। आज जब ये सुंदर घर आया, तब मैंने अपना मोबाइल वॉइस रिकॉर्डिंग पर डालकर कमरे में छोड़ दिया था। और हाँ,
देखो अब मुझे तुमसे पैसे चाहिए भी नहीं। खुशी बिटिया ने मुझे अपने दिल की बात बताई। अगर तुम चाहो तो तुम लोग हमेशा के लिए पति पत्नी बनकर रह सकते हो। जिससे इन दोनों की सारी बातें रिकॉर्ड हो गई और हमें इनकी साजिश का पता चला। आज तुम्हारी सूझबूझ की वजह से तुम्हारे छोटे भाई की जान बच गई। वेल डन करण। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं अपनी मां को नहीं बचा पाया। चलो ले चलो इन्हें।